Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपने देसी घी, देसी अंडे और देसी शहद के करामात तो देखे होंगे ना, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे देसी बीवी के करामात। और ये जो विलायती बीवी है ना रिदा, इसकी तो हम छुट्टी कर देंगे। कैसे? देसी टोटकों से। बच्चा अगवा करने के जुर्म में फुफ्फो पे FIR कर गई है। फुफ्फो वहाँ मेहंदी लगाकर सेज बननी बैठी हुई, हथकड़ियाँ लगी हैं उनको, वो चटाई पर बैठी हुई है। आप अपने दोस्त से बोलो ना वो कुछ करे। कौन सा दोस्त? हमें क्या पता, वो पुलिस वाला आया था, वो कह रहा था कि तुम उनके साहब के भाई बने हुए हो। अरे उस मोटी हथनी ने मुझसे चक्की से बड़ा मशक्कत का काम लिया है। वो कौन थी? अरे सर और पिंडलियों की मालिश। बस जी, बच्चे की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। ना सिर्फ बच्चा बच गया बल्कि 2.5 करोड़ के हीरे भी जो उसके डायपर में रखे गए। क्या 2.5 करोड़ के हीरे बच्चे के डायपर में? 2.5 करोड़ के हीरे? जी भाई, आपकी तारीफ। जी हमारी तारीफ में शायर कहता है कि आप कराएं हमसे बीमा, छोड़े सब अंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर ऊंचा नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा। क्या क्या क्या, ये आप हमें शेर सुना रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये बद्दुआ नहीं है, ये प्लान है, सिक्योरिटी प्लान आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन भाई हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। हो जाएंगे, 1 साल लगता है सिर्फ। सुनिए, ये आप किस किस्म की हमसे बेहुदा गुफ्तगू फरमा रहे हैं? आप हैं कौन? जी मैं मोहसिन। क्या मतलब, आपने हम पे कोई एहसान किया है क्या? जी नहीं। तो फिर आप मोहसिन कैसे हुए? वो जी बचपन से मेरे अब्बू ने मेरा नाम रख दिया ना। देखे मैं एक बीमा एजेंट हूँ और मेरा काम लोगों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। मतलब क्या आप लोगों को बैंक के लॉकर में रख देते हैं महफूज करने के लिए? नहीं नहीं है, लोग हमसे लाखों रुपए की बीमा पॉलिसी कराते हैं ताकि उनके मरने के बाद उनके बीवी बच्चे सुकून से रहें। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए हम बताते हैं आपको, शौहर के मरने के बाद बीवी तो सुकून से रह सकती है, बच्चे नहीं। तो चलिए फिर आप अपने शौहर की बीमा पॉलिसी ले लीजिए ना। अच्छा, यानी हम अपने शौहर की बीमा पॉलिसी करवा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आपके शौहर का, आपके शौहर के बाप का, उनके पूरे खानदान का बीमा कर दूंगा मैं। तो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, हम अपने उनसे बात करके रखते हैं इस बारे में। आप ठीक शाम में 4 बजे तशरीफ लाइएगा। आप फिक्र ही ना करें, मैं ठीक 4:45 बजे हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन भाई 4:45 बजे क्यों? मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है ना। अच्छा ठीक है जी, हमें आपका इंतजार रहेगा। गुड टू सी यू। जी मैं एजेंट हूँ। CIA का? नहीं नहीं, बीमा पॉलिसी का। क्या आपको अपना बीमा कराना? लाखों रुपए मिलेंगे इंतकाल के बाद। आपके इंतकाल के बाद? नहीं नहीं आपके। लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे लाखों रुपए मिलेंगे कैसे? नहीं नहीं आपको नहीं, आपके शौहर को मिलेंगे, आपके बच्चों को मिलेंगे, खुदा ना खास्ता अगर आप ऊपर निकल गई तो। अरे अरे आप क्या ऑल फॉल पक रहे हैं, अभी मेरा ऊपर जाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे आपके शौहर जाएंगे ऊपर और आपको मिल जाएंगे लाखों रुपए। अच्छा तो आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े, आइए जरूर। आ जाओ। जी जी आइए। देखे बीमा आप अपना करवाएं या अपने शौहर का, रकम उसे ही मिलेगी जो दोनों में से जिंदा बचेगा। तो फिर मैं अपने हस्बैंड का बीमा करवा लेती हूँ। करवा लें और आप टेंशन ही ना लें, मैं आपको ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा कि आपके शौहर ऊपर और आप यहाँ नीचे लाखों के नोटों की गड्डी के साथ कैसा। मगर उसके लिए तो मुझे काफी इंतजार करना पड़ेगा, अगर मेरे हस्बैंड ना मरे तो मुझे उनके बुढ़ापे का वेट करना पड़ेगा। हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी है ना, 1 साल के अंदर अंदर रकम आपकी। ओके गुड, मैं कल आपके ऑफिस आती हूँ, सारी डिटेल बताइएगा। अरे ऑफिस आने की क्या जरूरत है, सारी डिटेल मैं अपने बैग में लेके घूमता हूँ और सारी पॉलिसीज भी लाया हूँ, वो आपकी बहन ने भी बुलवाया था ना मुझे। मेरी बहन? मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा तो फिर भाभी होंगी? नहीं नहीं भाभी भाभी भी नहीं है, हाँ मेरी सौतन रहती है, आप उससे मिले क्या? हाँ हाँ मिला,
अच्छा दो दो बीवियाँ डबल टेंशन, तो इसका मतलब है कि फिर तो रकम आधी आधी होगी है? नहीं नहीं नहीं, आप कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे सारी रकम मुझे मिल जाए। सबसे पहले आपको अपनी सौकन से छुटकारा पाना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त मशवरा दूंगा, लेकिन फीस लूंगा मैं। हाँ हाँ दे दूंगी, तरकीब तो बताएं। फीस देने की? नहीं नहीं, सौतन से निजात पाने की। ये तो मैं आपको कल बताऊंगा, अभी आप फिलहाल अपने शौहर का बीमा तो करवाएं। हाँ हाँ जल्दी करें। ये देखें, ये लीजिए भाई। सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई है। इधर आपने अपने शौहर का बीमा करवा लिया है और दूसरी तरफ आपसे पहले आपकी सौकन ने, अब वो सारी दौलत हथियाने के लिए यकीनन आपको मारने की कोशिश करेगी। हमको मारने के लिए कोशिश? सिर्फ कोशिश नहीं, यकीनन। और इससे पहले कि वो आपको मार डाले, आप उसे मार डाले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, इससे पहले कि वो हमें मारने की कोशिश करे, हमें चाहिए कि हम उसको मार दें। मगर कैसे? अरे बहुत आसान तरीका है, आप उसे केवाड़ी ले जाएं, किश्ती में बिठा के बीच समंदर में धक्का दे दें। नहीं 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 नहीं, उनको तैराकी आती है, आधे घंटे में साहिल पे आ जाएंगी। और एक आपको बात बताएं, हमें कश्ती में बैठने से बहुत डर लगता है, कुछ और बताइए ना। तो फिर आप उसे खुशकी पे धक्का दे दें। एक काम करें, चलती हुई ट्रेन के सामने धक्का दे दें, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। छोटे 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 टुकड़े हमें नहीं अच्छे लगते, कुछ और बताएं। अरे क्या आपने उन छोटे छोटे टुकड़ों के पसंदे बनवाने हैं आपस से, सिर्फ जमीन में दफनाने तो है? भाई कोई और तरकीब है क्या आपके दिमाग में? एक काम करें, उसको फांसी पे लटका दें। फांसी? नहीं, इस तरह तो उनकी गर्दन लंबी हो जाएगी। और आपको बताएं हम एक बात, हमारे जो मजाजी खुदा है ना, उन्हें लंबी गर्दन वाली औरतें बहुत पसंद है। ये तो हम हरगिज भी नहीं करेंगे, हाँ कुछ भी हो जाए। तो बगैर गर्दन के चलेगी? क्या नहीं, मकसद ये कि तलवार से उसकी गर्दन ही उड़ा दे। यानी कि वो सरकटी बन जाएगी, और फिर अगर वो सरकटी बन के अपनी मौत का बदला लेने हमसे आ गई तो? अरे भाई आप उसे जहर देने खत्म करें, मैंने भी अपनी बीवियों के साथ यही किया था। आपने? तीन बीवियों को जहर दे चुका हूँ, चौथी का बीमा कराने के बाद उसको भी दे दूंगा। लेकिन आप मेरी छोड़िए, इससे पहले कि आपकी सौकन सारी दौलत हथियाने के लिए आपके शौहर के साथ कुछ करे, आप कुछ करें। हाँ। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। क्या कह गए भाई साहब? ये बताइए कि आपकी सौकन डरती किस चीज से? सुना था औरतें चूहे से बहुत डरती हैं, लेकिन वो इतनी खूनखवार है कि चूहे उसे देखकर डर के भाग जाते हैं। लेकिन मेरी बीवी तो नहीं डरती, चौथी है ना। आपको पता है मेरी बीवी जब बगैर मेकअप के आईने में देखती है ना, तो चीख मार के बेहोश हो जाती है, और जब वो होश में आती है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। हम दोनों सारा दिन यही करते हैं। आप अपनी बीवी के बारे में बात करने आई, मेरे शौहर की? अरे हाँ याद आया, वो ऊंचाई से बहुत डरती है। तो फिर आप एक काम करें, उन्हें पहाड़ी पे ले जाके ऊपर से धक्का दे दे। नहीं नहीं, उसका भेजा वेजा बाहर आ जाएगा, भेजे से मुझे बहुत घृणा आती है, और वैसे भी मैं खुद ऊंचाई से बहुत डरती हूँ। तो फिर एक काम करें, उन्हें तोप में बिठा के आसमान की तरफ छोड़ दें, चील कौवे ले जाएंगे, या फिर ऐसा करेंगे उनके पेट में छुरा घोंप दें। छुरा पेट में? नहीं 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 नहीं, मैंने आज तक सब्जी नहीं काटी, और वैसे भी पेट में सुराख हो जाएगा, सारा खून निकल आएगा, मेरा कारपेट गंदा हो जाएगा। तो फिर एक काम करें, बाजार से नई छुरी लाके अपनी सौकन को दें, और उससे कहें कि इसे पेट में मार के देखो कि ये तेज है या नहीं। हाँ, ताकि वो मुझे ही मार दे। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप किराए के कातिल बुलवाकर अपनी सौकन का काम तमाम करवा दें। किराए का कातिल? क्या किराए पे भी कातिल मिलते हैं? कहाँ है दुकान उनकी? अरे ये हमारे आदमी है, जब आप जैसे लोग कुछ नहीं कर पाते ना, तो ये सब कुछ कर लेते हैं, मर्डर भी। ये लीजिए, ये उनका कार्ड। ये तो रेहाना ब्यूटी पार्लर, माफ कीजिएगा, कहाँ गया। ये लीजिए, नंबर मिलाइए और शौहर और बीवी को ठिकाने।
आखा, शरबत बना रही है मेरी गुड़िया। ला जल्दी से दे, बड़ी प्यास लगी है भैया। नहीं नहीं पप्पो, ये वो पीने वाला शरबत नहीं है। अरे तो ये शरबत तो होता ही पीने के लिए। वो इसमें कुछ मिला हुआ है ना, इसलिए। क्या मिला हुआ है? नहीं, शक्कर ज्यादा हो गई है, वो हम इसमें से निकालने वाले हैं बस अभी। अरे शक्कर वापस कैसे निकालोगी? हाँ, हमें काम करेंगे ना पप्पो, हमें खाली ग्लास लेके उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगा के शरबत को उसमें उंडेलेंगे, तो जितनी भी शक्कर होगी कपड़े में आ जाएगी, फंस जाएगी, निकल जाएगी। उसके बाद तो मुझे दोगी ना? क्या शक्कर? नहीं पप्पो, आपको तो शुगर रहती है। अरे मैं शरबत की बात कर रही हूँ। पप्पो ये वाला शरबत नहीं, इसमें मिठास थोड़ी सी ज्यादा है, हम आपको नया शरबत बना के देंगे जिसमें मिठास थोड़ी कम होगी। अच्छा बस ये चलाकी की बात छोड़ो, तुम्हारी बातों से तो हमारी प्यास ही बुझ गई कमबख्त। शुगर चली गई, अब ये शरबत हम उस रिदा की बच्ची को पिलाएंगे और देखेंगे कि उसके साथ होता क्या है। अब रिदा जी, ये हम आपके लिए जूस लेकर आए हैं, मौसम्बियों का जूस है, हमने अपने हाथों से निकाला है आपके लिए, हमें पता है आपको बहुत पसंद है ना, ले पिए। नहीं, मुझे नहीं पीना, तुम पी लो। हम कैसे पी सकते हैं, इसमें तो वो मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मतलब मौसम्बी है ना, आपको तो पता है बहुत ही नाजुक गला है, फौरन ही पकड़ा जाता है। आप पिए ना, आपको बहुत पसंद है, इसलिए तो हम बना के लेके, हम अपने हाथों से पिलाते हैं आपको। नहीं, तुम यहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगी, अभी दिल नहीं कर रहा ना। सच्चा पी लेंगी ना? दिल की बात है ना, हम यहाँ रख के जा रहे हैं, आपने लाजमी पीना है, क्योंकि हमने अपने हाथों से आपके लिए बहुत दिल से बनाया है। रिदा जी मैं पी लूंगी। ठीक है, पी लीजिएगा, हम अभी आते हैं देखने आपको वापस। हाँ 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 हाँ, बहुत मजे का था आपको। हाँ, फिर असर क्यों नहीं हुआ अब तक? असर? किस चीज का असर? नहीं, असर की नमाज की बात कर रहे हैं हम, आपको तो पता है नमाज के पाबंद है, अजान क्यों नहीं हुई अब तक? हम जाते हैं ना इसको लेकर, जरा वजू भी करना है, थोड़ा जल्दी में है। हिना की बच्ची शरबत लाई थी मेरे लिए, यकीनन इस शरबत में जहर मिलाकर लाई होगी, हाँ, ताकि बीमे की रकम अकेले ले सके। इतनी आसानी से रकम लेने नहीं दूंगी तुझे मैं। वैसे पेट में छुरा घोपना तो आसान है, आज तो मैं काट के रख दूंगी उसे। अरे किसको? पालक को पप्पो, दो दिन से बासी हो रही है ना। अगर तुम तो कह रही थी कि पेट में छुरा घोंप के मारना आसान है। ये कद्दू है ना, इसके पेट में छुरा घोंपना आसान होता है ना। अरे बेटा कद्दू पे कोई पेट वेट नहीं होता, कद्दू तो बस कद्दू होता है। पप्पो वो क्या है कि मैंने कभी सब्जी काटी नहीं ना, इसलिए पता नहीं है मुझे। काटी तो है मगर सिर्फ दांतों से। सब्जियों को? हाँ वो भी पक्की हुई। चलो हटो, हम अपने लिए कद्दू की भुजिया बनाएंगे। भुजिया? नो 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 पप्पो, मैं भुजिया नहीं खाती, मैं अपने लिए पिज्जा मंगवा लेती हूँ। हाँ नो 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 नो, मैं अपने लिए पिज्जा मंगा लेती हूँ। बड़ी आई अंग्रेज की बच्ची। हेलो, सलीम टुंडा बात कर रहे हैं जी? वो मोहसिन साहब ने आपका नंबर दिया था मुझे, सुना है आप किराए के कातिल हैं, मर्डर करवाना है एक लड़की का। कौन हो भाई? अब उन सलीम टुंडा गया। झूठा कहीं का, तेरे तो दोनों हाथ सही सालिम है। अरे अब उनको प्यार से टुंडा बोलते हैं क्या? भाई वाह, क्या प्यार है,
जब तुम पैदा हुए होगे तो डॉक्टर ने कहा होगा टुंडा पैदा हो गया टुंडा। ए बुढ़िया आवाज नीचे करने का क्या, वरना तेरा गला दबा दूंगा क्या। बुढ़िया होगी तेरी माँ। ए सुन खामोश है, मेरे गले में कोई दर्द वरद नहीं है, तुझसे ज्यादा चीख सकती हूँ। अरे लड़की किधर है, किधर है लड़की, क्या मुझे क्या पता तेरी लड़की कहाँ है। अरे अपुन की तो अभी तक शादी नहीं हुई क्या, तो फिर मुझसे क्यों पूछा कि लड़की कहाँ है। ओहो जो इस घर में रहती है, शलवार कमीज पहनती है, गाड़ी उर्दू बोलती है क्या। तो तूने हमारी बहू को ताड़ा हुआ है, घर की कहीं के मनहूस शक्ल। अभी तुझे बताती हूँ, तेरा तो मार मार के। अरे अम्मा क्या कर रही हो अम्मा, अरे अम्मा माफ कर दो, आइंदा नहीं आने का क्या। अरे चार बाल है ये भी नोच लूंगी क्या। अरे छोड़ो अम्मा। तो वाह कमबख्त की हिम्मत तो देखो, मेरी बहू को छेड़ के घर पे आ गया मनहूस कहीं का। कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई है। अरे आप, इतनी देर से वेट कर रही थी मैं आपका, कहाँ रह गए थे आप। ऐसा इस्तकबाल, ऐसा इस्तकबाल तो मेरी बीवी भी नहीं करती है, दूसरी बीवियाँ करती होंगी। यही है मेरी सौतन होंगी। मुझे से क्या, मैं तो मोहसिन नाम ही आदमी। मोहसिन ने आपको बताया होगा कि मेरी सौतन, हाँ इन्हीं को मारना है। क्या, हमें, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। आप मेरा ख्याल है वही है जिन्हें हमने कॉल की थी और कहा था अपनी सौतन को मारने के लिए, है ना। यही है वो, हो जाए शुरू, मारे मारे। अरे मारो उसको, कुछ तो निकालो, छुरी चाकू कुछ तो निकालो। हरगिज नहीं भाई, आपको याद है ना पहले हमने फोन किया था एंड 3:30 पे, लिहाजा पहला हक हमारा, मारे इन्हें आप। पहले मैंने फोन किया था 20:30 पे, मारो। नहीं हम आपसे कह रहे हैं ना, चले शुरू हो जाए, खड़े खड़े हमारी शक्ल आप क्या देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं आप टुकड़ टुकड़ मारे। एक मिनट आप लोग मुझे समझ के हैं, किराए का कातिल। ओफो ये कैसा शोर है, और कौन है किराए का कातिल, क्या ये है मनहूस। मैंने आज तक सर की जू तक नहीं मारी है, किराए का कातिल कैसे हो गया। मेरी बहनों एंड स्वीट लेडी, मेरा नाम हामिद है और मैं पागल खाने से आया हूँ। भाग के नहीं भाग के नहीं, दरअसल ये शख्स है, इस शख्स का नाम मोहसिन है, ये पागल है पागल। यही है वो, इसी ने बीमा पॉलिसी करवाई थी। हाँ इसी शख्स को तो हमने पैसे दिए थे अपने शोहर की बीमा पॉलिसी के लिए। बीमा पॉलिसी लगा ये जुना। अरे इसी चक्कर में तो उसने अपनी 3 बीवियों को कत्ल कर दिया, सदमे से पागल हो गया था वो। हाँ नहीं तो अच्छे खासे डॉक्टर को बेकार में क्रय का कत्ल बना दिया। अब आया तो मुझे फोन कर देना। हाँ नहीं तो तुमने मेरे बच्चे जब्बात का बीमा कराया और इतना बड़ा ड्रामा खेला, फुप्पो को खबर तक नहीं होने दी। चलो पकड़ो अपने कान, पकड़ो। सॉरी फुप्पो। आपसे रिश्ता है।